एक तो सवाल मेरा कि आम आदमी पार्टी विरोधी तर्ज क्यों चुप हैगी और दूसरा सवाल यह है कि अज ओपी सोनी ने एक स्टेटमेंट दी गई है कि कानून अपना काम कर रहा है, जे कानून के शिकंजे कोई भी अकाली लीडर आता तो उन्होंने बख्शा नहीं जाएगा। कानून तो उन्होंने मैं दो गल्लां दा, दो सवाल है थोड़े, जो आम आदमी करने की जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी नहीं निभा रहे तो सवाल उन्होंने करना चाहिए कि जो जिम्मेवारी दिती गई सी तुहानूं पंजाब जत्ता ने क्यों नहीं निभा रहे। बाकी जिहड़ी सवाल तुसीं ओपी सोनी दा, कोई भी कानून के उत्ते नहीं है, पर कानून तोड़ के तुसीं किसे नूं करना वो गलत है। बंगलादेश का एक वड्डा कारण कॉटन प्रोसैसिंग है, कॉटन प्रोसैस करके कपड़ा बना के स्टिच करके तुसी दुनिया चले जाओ, किसी मर्जी स्टोर चले जाओ, मेड इन बंगलादेश कपड़े मिलेंगे। अपनी जिहड़ी सरकार है उनका इंटरेस्ट प्रोसैसिंग च नहीं। मेरी कोशिश रही सी जो सरकार बनी इत्थे प्रोसैसिंग मिल्स लाई हैं, ताइयो बठिंडे दे नेड़े कई वड्डियां वड्डियां मिल्स असी लाईआं, आ मिल्स जिन्नियां वधियां होर लगनगियां ताइयो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी। एक किसान नूं तुसी जो कितें रेट डिग पैंदे आ कितें वध जांदे आ, एक्टिव होर भी दुख दी गल है, रेट नरमे दे चंगे सी, किसान नूं उम्मीद सी कि एक्टिव मैनूं फिरी चंगे रेट मिलणगे, पर अफसोस कि जमा ही फसल खत्म हो गई ते हुन रेट होर वध जाने। बादल सर, सर आई हैव अ क्वेश्चन, जो आप आज ने आपका विजिट विलेजेस में, सर फार्मर्स हमेशा कहीं ना कहीं टर्मोइलिंग सिचुएशन में बहुत ज्यादा, आपको भी मालूम है कि 10,000 से ज्यादा किसानों ने पंजाब में सुसाइड कर, यू आर द पॉलिटिकल मास्टर्स, आप लोग सत्ता में रहे हैं, कांग्रेस सत्ता में रही, हर बार किसानों को सड़कों पे क्यों आना पड़ता है? आज अकाली दल अबाउट 5-7 दिनों से हंगामा हो रहा है सर, की गुलाबी सुंडी से क्रॉप खत्म हो गई, कांग्रेस इज साइलेंट, अकाली दल आज 5वें-6 दिन जाके रोड्स के ऊपर, आप लोग रोड पे आए लेकिन सरकार नहीं आई, व्हाई द गैप इज बिटवीन द पॉलिटिकल मास्टर्स एंड द लेमैन, ऐसा क्यों है, व्हाई हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स को दर्द क्यों नहीं होता हम लोग? सी, ये इशू है, अकाली दल की सरकार ने, आपने देखा होगा कि जो भी प्रोटेस्ट करना चाहता था मुख्यमंत्री अपने आप उनको मिल लेता, मिलना था 2 या 3 तो दिन तो वध लगते नहीं सी कि मुख्यमंत्री बादल साहब मिल दे, ते नाल नाल मिल के अस कोशिश करते सी हल करनी। आ जिहड़ी प्रेजेंट कांग्रेस सरकार है, जिन्ना मर्जी तुसी प्रोटेस्ट कर लो, लोकी प्रोटेस्ट करके थक के लोकी घरे चले गए, पर सरकार नहीं मिली। ते हुण तुसी देख लो, जे सुंडी साडे टाइम च जे कितें नुकसान हुंदा सी, बादल साहब नूं सवेरे अखबार च पता लग के असी नाल दा टीमां भेजदे सी, हुण तुसी देख लो कोई परवाह नहीं किसे नूं, कोई इन्नी नुकसान जो मैं टीवी राहीं पता लग्या मैनूं ते मैं देखिया, मैं इमीजिएटली सारे प्रोग्राम कैंसल करके मैं कहा मैं एक्चुअली देखना चाहुंदा किस लेवल दा नुकसान है। पर अज मैनूं मैं कह सकदा पिछले 20-25 साल च एडा वड्डा नुकसान किसानी दा नहीं होया होना जिन्ना एती नरमे दा होया। आ जिहड़ी बीमारी है, ऐ नहीं है कि 2 टिंडियां नूं पई है, 3-5 बार बच गए है, इस पिंड के खेत में पई है अगला बच गया, कई तो होंगे कि बीमारी इतने पै जाती उ बच जाता से। अक्रॉस यूनिफॉर्म अक्रॉस स्टेट है, तो जी वही गल है कि इतने ऐ बाहरों लगता है कि टिंडा बिल्कुल सही है, पर जो किसी मर्जी टिंडे तुम पट लो, मैं रैंडम रुक के भी सड़क दे, देखे सारी जगह एक ही है। सो सीरियसनैस एक्ट की बहुत ज्यादा है, तो किसी हालत जे पंजाब दी सरकार ने किसानां दी बाह ना फड़ी बहुत वड्डा नुकसान होना पंजाब दा किसानी दा, ते मैनूं लगदा डायरेक्ट सुसाइड बहुत वध सकदे आ, कर्जा वध सकदा। सर एक क्वेश्चन जी सी गल, एक इसी के साथ एक चीज और आपसे कोऑपरेट करो, सर सरकार कहती है किसान मरेगा उसको 3 लाख रुपए देंगे, 2 लाख देंगे, 3 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, सब किसान मरे ही क्यों, उसका सरकार ये क्यों नहीं कहती कि भाई इसका 2 लाख का लोन उतार दो? आपसे भी क्वेश्चन है और आपके मार्फत सीएम पंजाब से भी यही क्वेश्चन है सर कि हम उसका लोन क्यों नहीं उतारते, उसके मरने का इंतजार सरकारी क्यों कर रही है सर? ये आपका बड़ा वैलिड
क्वेश्चन है वो मरे तब आप सर हम ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका हल ढूंढना चाहिए। हम सोच रहे हैं कि इसका कैसे किसानी को वापस स्टेबल किया जाए, जो हमारी थिंकिंग चल रही है, हम अगली सरकार की हमने जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि कैसे वापस किसानी को अपने पैरों में खड़ा। एक हमने जो मैंने अभी बोला है ये फार्म एग्रीकल्चर इंश्योरेंस वो असी पैकेज असी अपने अगले दसांगे थोनू किवें करांगे, पर आज आज साड़ी प्रायोरिटी रहेगी क्योंकि एक फसल मर जाए पांच साल तबाह हो जाता किसान। हालात बन रही है, नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी फ्रंट बनते बड़े लोग इकट्ठे हो रहे हैं, रीजनल पार्टीज काफी अगे आ रही है क्योंकि जेडिया सेंट्रल पार्टीज है और अब हर सूबे दियां समस्या नहीं समझ सकदियां। तुसी हालात देख लो, अज अपने च कांग्रेस पार्टी जो नैशनल पार्टी कहा जाता है उदी सरकार है, मुख्यमंत्री बनने वास्ते इन्ने दिन लग गए, मंत्री बनने वास्ते इन्ने दिन लग गए, उन्होंने दरबार च बैठे हैं उन्होंने तो फैसला लेने वास्ते। रीजनल पार्टी होंगी एक मिनट फैसला होंदा, इत्थे फैसला होंदा, पंजाब के हक च फैसला होंदा। आम आदमी पार्टी हुण दिल्ली दी पार्टी है, केजरीवाल पंजाब चाके ते कहिंदा पंजाब दा पानी इत्थे जाए, दिल्ली आके कहिंदा सानू पंजाब दा पानी चाहिए, इत्थे आ दिल्ली आके कहिंदा कि साडे थर्मल प्लांट बंद करो पंजाब दे। सो मेरा मतलब है रीजनल पार्टीज रीजन दी एस्पिरेशन अपने सूबे दी एस्पिरेशन जानदियां ते लड़ाई लड़ सकदियां। सो जिन्नियां रीजनल पार्टीज इकट्ठियां होके जे रीजनल पार्टीज इकट्ठे होके फ्रंट बनाउण, मैं कहिंदा देश लिए ओह बेस्ट है क्योंकि हर रीजन दी एक्सप्रेशन तो चाहती है। पंजाब जिहड़ा सीगा हुण तक धर्म दी राजनीति तो बचा होया सीगा, पर इस वेले जिहड़े हालात ने तुसीं देख रहे हो कि मतलब धर्म दी राजनीति हो रही है, अजे जाखड़ साहब बन रहे थे ओह कहिंदे हिंदू जिहड़ा इस करके बनाया तो चन्नी नूं इस करके बना सके कि ओह ऐसी है, तां इह पंजाब दे देखो पंजाब इक अजिहा सूबा है जिथे धर्म दे उत्ते किते विवाद नहीं पिया, किते तुसीं कलैशिज नहीं हुईआं जी, इत्थे सारे भरावां भरावां वांगू रहिंदे आ, किते कोई फर्क नहीं देखिया कि हिंदू है सिख है मुस्लिम है ईसाई है, किते नहीं होया। बड़ा अफसोस है कि कांग्रेस ने ऐ जी चिंगारी लाई है जिहड़ी बड़ी गलत। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।